स्कूल के दिनों में लड़के बनकर आइटम डांस करते थे कालीन या पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इस समय बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्हें दर्शक हर किरदार में देखना चाहते हैं। भले ही आज पंकज नेगेटिव और बाहुबली वाले किरदार भी निभाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि अपने स्कूल के दिनों में वे महिलाओं के किरदार निभाया करते थे। हालिया इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने अपने उस दौर के बारे में बहुत सी बातें की और ये भी बताया कि उस समय वे आइटम डांस भी किया करते थे। दसवीं क्लास में बने थे लड़के। इस बारे में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने नेहा धूपिया के चैट शो में बताया कि जब वे दसवीं क्लास में थे तब उन्होंने पहले एक लड़की का किरदार निभाया था। जो लड़का उस लड़की वाले किरदार को निभाता था वे शहर से नहीं लौटा था, तो लोगों ने सोचा कि अब वे नाटक भी नहीं होगा। तब पंकज त्रिपाठी ने ये किरदार निभाया। लड़के बनने से पहले ली थी पिता की इजाज़त ली थी। हालांकि इस किरदार को निभाने से पहले नाटक के डायरेक्टर ने पंकज त्रिपाठी से कहा था कि वे इस किरदार को निभाने के लिए अपने पिता की परमिशन लेकर आएं। डायरेक्टर को लगता था कि पंकज त्रिपाठी के पिता इस किरदार से नाराज हो सकते हैं और नाटक के बीच में लाठी लेकर स्टेज पर आ सकते हैं। हालांकि पंकज त्रिपाठी के पिता ने उन्हें ये किरदार निभाने की इजाज़त दे दी थी। पंकज त्रिपाठी ने ये भी बताया कि इस किरदार को निभाते हुए वह बीच में आइटम नंबर पर भी परफॉर्म करते थे क्योंकि इसमें लोगों की काफी तारीफ मिलती है। उन्होंने बताया कि एक बार गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे यहां तक कह दिया था कि पंकज अगर मुंबई जाते हैं तो वे वहां कई बॉलीवुड हीरोइनों की छुट्टी कर सकते हैं। भले ही पंकज त्रिपाठी ने किसी हीरोइन की छुट्टी न की हो, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर, बरेली की बर्फी, स्त्री और मिर्जापुर में निभाए उनके किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।